शुरू का पढ़ा आया अजय गोयल को प्रेम का रेखा माता जी बाहर जाऊंगा खोल के जाऊंगा इधर रिंका माता जी का ग्यारह लड़का है दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी और एक दो मिनट बाद देख लें माता जी फिर शुरू करें और क्या नहीं दो चार मिनट जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा एक दिन में तो कुछ नहीं होता गायत्री के चला गया था गायत्री के जल्दी आया था वहाँ मिल गया कन्हैया कन्हैया वही दिन आया था वही टाइम आया था मेरे पांच मिनट पहले रात को आ गया था अपनी बेटी के तो मिल गया और ना वो शादियां वादिया तो था अटेंड करवाया तो मिल गया हम लोग हैं तो कौन कौन पड़े कौन ग्यारह था आदमी ग्यारह में तीन तो रेंजर हो गए चैनिस गाँव
बताइए शुरू हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी शुरू करें टाइम हो गया लोग आते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 से 21 श्लोक ऑनवर्ड्स तो हम सब श्री विक्रम प्रियदास प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंगलाचरण करके सेशन की शुरुआत करें हरे कृष्णा सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मंगलाचरण करें ओम अज्ञान तिमिरिंदस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्न मिलतन ये नहीं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वरूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेयं श्री गुरु श्री उत्पत कमलं श्री गुरु नवैष्णवाशं श्री रूपं सार जातं श्रीगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परियन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्रीगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री प्रभु नित्यानंदा अधिगौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण अध्याय चल रहा है हमारा 11वां विराट रूप जिसमें अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और हम पिछले बार श्लोक 21 तक पढ़ चुके हैं आज हम श्लोक 22 से पढ़ेंगे और मैं ये कह रहा था माता जी इन श्लोकों में कोई ज़्यादा तात्पर्य नहीं है और ना ज़्यादा डिटेलिंग का है तो आप एक भक्त दो दो श्लोक पढ़ लें है ना जी प्लीज सभी हैंड रेज कीजिए पढ़ने के लिए रेखा माता जी स्टार्ट करें हरे कृष्णा रुद्र आदित्या वशभूये च सात यही है ना सब हाँ यस यही है माता जी रुद्र हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है हरे कृष्णा हाँ आ रही है माता जी अच्छी तरह आ रही है रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वस्य विश्वे अस्विनो मरुतोश्च स्मपाश्च गंधर्वयक्ष
सुर सिद्ध संगा विध्यन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे रुद्र शिवकरू आदित्य आदित्यगण वसव सारे वशु ये जो च तथा साध्या साध्य विश्वे विश्व देवता अश्विनो अश्विनी कुमार मरुतः मरुदगण च तथा उष्मप पितर च तथा गंधर्व गंधर्व यक्ष यक्ष असुर असुर सिद्ध तथा सिद्ध देवताओं के संघा समूह विच्छन्ते देख रहे हैं त्वाम आपको विस्मिता आश्चर्यचकित होकर च भी एव निश्चय ही सर्वे सर्व शिव के विविध रूप आदित्यगण वसु साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनो कुमार मरुदगण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुद्रष्टाकरालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपम रूप महत विशाल ते आपका बहु अनेक वक्त्र मुख नेत्र तथा आंखें महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले बहु अनेक बाहु भुजाएं उरु जांघे पादम तथा पांव बहु उदरम अनेक पेट बहुत दृष्टा अनेक दांत करालम भयानक दृष्ट्वा देखकर लोका सारे लोग प्रव्यथिता विचलित तथा उसी प्रकार अहम मैं। हे महाबाहु आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंघा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ अर्जुन बता रहा है कि इस दृश्य को कौन कौन देख रहे हैं, उनके नाम आए हैं और हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर केवल अर्जुन ने इस दृश्य को देखा या संजय ने देखा, बाकी ये जितने भी लोग हैं पितरलोक यक्षलोक गंधर्वलोक देवलोक स्वर्गलोक ये सब हमसे ऊपर हैं, उनके वासियों ने इसको देखा। अर्जुन कह रहा है ये सब देख रहे हैं जिनके नाम यहाँ गिनाए गए हैं, ये देख रहे हैं पहली बात, और ये आपके इतने विराट रूप को देख के जिसमें अनेकों मुख नेत्र वगैरह हैं ये सभी विचलित है, सभी विचलित हैं। और अर्जुन कह रहा है मैं भी विचलित हूँ इस दृश्य देख करके, ये क्या हो रहा है, मैं भी विचलित। तो और अब 24 और 25वां श्लोक। राधा रानी माता जी नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतम धृतिम न विन्दामि समं च विष्णु। नभस्पृशम आकाश छूता हुआ, दीप्तम ज्योतिर्मय, अनेक कई, वर्णम रंग, व्यात खुले हुए, आननम मुख, दीप्त प्रदीप्त, विशाल बड़ी बड़ी, नेत्रम आंखें, दृष्ट्वा देखकर ही निश्चय ही त्वाम आपको प्रव्यथित विचलित भयभीत अंतः भीतर आत्मा आत्मा धृतिम दृढ़ता या धैर्य को न नहीं विंदामी प्राप्त हूँ क्षमम मानसिक शांति को च भी विष्णु हे विष्णु हे सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है, मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दमस्त्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दमस्त्रा दांत करालानि विकराल च भी ते मुखानि मुखों को दृष्ट्वा देखकर एव इस प्रकार काल अनल प्रलय की सन्निभानि मानो दिशः दिशाएं न नहीं जाने जानता हूँ न नहीं लभे प्राप्त करता हूँ च तथा चर्म आनंद प्रसिद्ध प्रसन्न हो देव देव ईश देवताओं के स्वामी जगत निवास हे समस्त जगतों के आश्रय हे देवेश हे जगन निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो
मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। भगवान का विराट रूप किस तरह का है कि अर्जुन को भी उससे डर लगने लगा है। विराट रूप को जब से अर्जुन ने देखा है, बड़ा विकराल रूप है वो। इसलिए भक्त लोग भगवान के जो विराट रूप है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अर्जुन भगवान से इतना प्रेम का आदान प्रदान करता है, उनका मित्र है, रिश्तेदार है, लेकिन विराट रूप को देख के वो भी विचलित हो गया। तो कह रहा है कि मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ और मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अगले श्लोकों में और अर्जुन बात बता रहे हैं। अर्जुन और क्या क्या देख रहे हैं देखिए, अगला श्लोक जो है उसमें अर्जुन बड़ी विचित्र चीजें देख रहा है, देख, जो भविष्य को बताती है। श्लोक नंबर 26 और 27। हरे कृष्णा, डीएस बघेला प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अमीच त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहबाब निपाल षड्घ भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथास्तासो सहास्मदीरैरपि कुयोध मुख्य वक्राणि ते स्वर्माणा विसन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्वेलग्ना दशनांतरेषु द्रष्टस्यन्ते चूड़ीतैरुत्तमागे अमी ये च भी त्वाम आपको धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्रा पुत्र सर्वे सभी सह सहित एव निसंदेह अवनिपाल वीर राजाओं के षड्घय समूह भीष्म भीष्मदेव द्रोण द्रोणाचार्य सूतपुत्र कर्ण तथा भी असो यह सह साथ अस्मदीये हमारे अपि भी योद्ध मुख्य मुख्य योद्धा वस्त्राणि वक्त्राणि मुखों से मुखों में ते आपके त्वरमाणा तेजी से विसंति प्रवेश कर रहे हैं दृष्टा दांत करालानी विकराल भयानकानी भयानक केचित उनमें से कुछ बिलग्ना लगे रहकर दसन अंतरेशु दांतों के बीच में दृष्ट्य संते दिख रहे हैं चूर्णते चूर्ण हुए उत्तम अंगे सिरों से धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजेय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। यथा नदीना बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती तथा तमावी नरलोक वीरा विसंति वक्त्रा विज्वलंती। यथा जिस प्रकार नदी नाम नदियों की बहव अनेक अम्बुवेगा जल की तरंगें समुद्रम समुद्र एव निश्चय ही अभिमुखा की ओर
द्रवंती दौड़ती है तथा उसी प्रकार से तब आपके अमी ये सब नर लोका वीरा मानव समाज के राजा विसंती प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणी मुखों में अभिविज्वलंती प्रज्वलित हो रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को शुरू में पूछा था वो क्या देखना चाहता है विराट रूप में, तो भगवान विराट रूप में सब चीजें दिखा रहे हैं। और इस बार जो अर्जुन ने देखा है वो भविष्य को बता रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो कह रहा है कि जितने भी कौरवों के वीर हैं, चाहे भीष्म हैं, चाहे द्रोण हैं, चाहे कौरव के पुत्र हैं, चाहे कर्ण हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, सब क्या हो रहे हैं, भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मुख में प्रवेश करने का मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को मुंह में प्रवेश करता है तो यानी कि वो चीज समाप्त हो जाती है, मृत्यु है। वो मृत्यु का एक संकेत है कि मृत्यु हो रही है। और दृश्य कितना विभत्स है कि कुछों के सिर तो दांतों के बीच में चूर्ण हुए पड़े हैं, है? यानी कि भगवान काल के रूप में महाभारत के युद्ध में प्रकट हुए हैं और वो काल रूप में सबका भक्षण करेंगे, ना केवल कौरव पक्ष के सैनिकों का और उनके योद्धाओं का, बल्कि पांडव पक्ष के भी सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे। ये इस बात का, और कितनी तेजी से मारे जाएंगे, इतनी तेजी से लोग रोज मरेंगे। डेली हमने देखा कौरव जो महाभारत युद्ध था उसमें रोज काफी लोग मरते थे, बहुत लोग मरते थे, है ना। तो यहाँ उपमा दी जा रही है कि जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार महान योद्धा की आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी मृत्यु के लिए लोग दौड़े जा रहे हैं, इतने लोग मरेंगे रोज, ये इस चीज का एक संकेत दे रहा है कि क्या होने वाला है। अर्जुन उसको देख रहा है, वैसा दृश्य देख कर तो हर कोई विचलित हो सकता है। अब श्लोक नंबर 29 और 30। हरे कृष्णा, ऋतु माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। यथा प्रदीप्तिम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तत्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा जिस प्रकार प्रदीप्तिम जलती हुई ज्वलनम अग्नि में पतंगा पतंगे कीड़े मकोड़े विशन्ति प्रवेश करते हैं नाशाय विनाश के लिए समृद्ध पूर्ण वेगा वेग तथा एव उसी प्रकार से नाशाय विनाश के लिए विशंति प्रवेश कर रहे हैं लोका सारे लोग तब आपके अपि भी वक्त्राणि मुखों में समृद्ध वेगा पूरे वेग से। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलिहासे गस मा ग्रसमान समंता लोकान समग्रान वदन वदने ज्वल ज्वलम धी तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भास्त वो ग्रावत प्रपंति विष्णु। लेलिहासे चाट रहे हैं ग्रसमाना निगलते हुए समंताता समस्त दिशाओं से लोकान लोगों को समग्रान सभी वदने मुखों से ज्वलधि जलते हुए तेजो भी तेज से आपूर्य आच्छादित करके जगत ब्रह्मांड को समग्रम समस्त भाषा किरणें तब आपकी उग्र भयंकर प्रतंति झुलसा रही है। विष्णु हे विश्वव्यापी भगवान, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आप पूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ देखो मरने वाले की उपमा दी जाती है कि लोग जो युद्ध में एकत्रित हुए हैं कितनी तेजी से मरने को तैयार है। जैसे अग्नि जलती है तो पतंगे उस पर आके गिरते हैं, हम देखते हैं ये, कभी भी देखना अग्नि जलेगी तो पतंगे उस पर आके गिरेंगे, मौत को दावत देते हैं। उनको अग्नि की चमक इतनी अट्रैक्ट करती है
कि वो उसकी तरफ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनकी मृत्यु का एक सूचक है, लेकिन वो जाते हैं पतंगे उसमें। इसी तरह से अर्जुन देख रहा है कि भगवान के मुख में लोग इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं जैसे कि पतंगा उसमें अग्नि में प्रवेश करता है। और अर्जुन ये भी कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख सब दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं, यानी कोई भी नहीं बचेगा। सब दिशाओं का मतलब है किसी का नहीं बचना, कुछ पांडवों को छोड़कर बाकी और कोई नहीं बचेगा इस युद्ध में, सभी लोग मारे जाएंगे। भगवान का विकराल रूप अर्जुन प्रदर्शित कर रहा है कि वो क्या क्या देख रहा है। अब अर्जुन अगले दो श्लोकों में और क्या बात कहता है, एक श्लोक में अर्जुन बात कहेगा, अपनी समाप्ति देगा, फिर 31वें श्लोक में भगवान बोलेंगे। तो श्लोक 31 अर्जुन का है और 32वां भगवान का है। 31 और 32 दो श्लोक पढ़े कोई वक्त। हरे कृष्ण श्लील लता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण आख्याई में को भमानु प्रग्रोपो नमोस्तु ते देवर व प्रसिद विज्ञातुम इच्छामि भवंत माग्धम नाही प्रजनामि तव प्रवृतम। आख्याई कृपया कृपया बताएं मैं मुझको क्या कौन भगवान आप भयान भयानक रूप नमः अस्तु नमस्कार होते आपको देवर हे देवता वर प्रसिद्ध प्रसन्न हो विज्ञातुम जानने के लिए इच्छाम इच्छक हूँ। आपको आद्यम आदि नय नहीं ही निश्चय ही प्रजनामी जानने योग्य आपका प्रवर्तम प्रयोजन। हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं आपको जानना क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। कालो अस्मी लोकश कृत प्रविधो लोकानमाहि तुम्रे प्रवृत तृतीय त्वाम च भविष्यन्ति सर्व ये अवस्थित प्रत्यनिकेशु योधा। श्री भगवानों वाच भगवान ने कहा काला काल अस्मि हूँ लोकः लोकों का क्षयकृत नाश करने वाला प्रविध महान लोकान समस्त लोकों का समाहितम नष्ट करने में इस संसार में प्रवृत लगा हुआ रिते जिसे अपी भी त्वाम आपको ना कभी नहीं भविष्यन्ति होंगे सर्वे सभी में ये जो अवस्थिता स्थित प्रति अनिकेशु विपक्ष में योद्धा सैनिक। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनिष्ठ करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके भिन्न मित्र तथा भगवान है तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था, इसलिए उसने इन विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1.2.25 वचन है यस्य ब्रह्मां च क्षत्रं च उभे भक्त ओधन मृत्युर्यमस्य सेवनम् इत वेद यत्र से। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कलित होते हैं। परमेश्वर का वह रूप सबका भक्षण करने वाला है और ग्रहों पर कृष्ण अपने को सर्वभवी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, मृत्यु रोकी नहीं जा सकती चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं,
काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। हरे कृष्णा। हरे, तो हमने देखा 31वें श्लोक में अर्जुन अपनी बात समाप्त करता है और जब रथ पे बैठे हैं तो दोनों मित्र हैं अर्जुन और कृष्ण, पर यहाँ अर्जुन सारा दृश्य देख के कहता है कि ये तो मेरे को मालूम पड़ गया कि आप आदि भगवान हैं, लेकिन मेरे को ये बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं, आपका आने का प्रयोजन क्या है। स्थूल दृष्टि से देखें तो महाभारत का युद्ध चल रहा है, भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हाँ एक तरफ मेरी सेना रहेगी एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन के सारथी बन के भगवान आए हैं युद्ध में, ये सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन अब पूछ रहा है कि आपको वाकई प्रयोजन क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तो भगवान अपना रूप बताते हैं कि मैं सबको विनिष्ट करने वाला काल हूं, और हमने पहले भगवान के ऐश्वर्य में पढ़ा है कि काल भी भगवान का रूप है, और भगवान कह रहा है मैं काल के रूप में आया हूं और यहाँ तुम कुछ पांडवों को छोड़ करके सारे योद्धा मारे जाएंगे, यही मेरा प्रयोजन है आने का। और अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लोग मारे जाएंगे, भगवान कह रहे थे युद्ध करो, भगवान को उस विधि से उनको मारना था, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, काल को टाला नहीं जा सकता, अगर भगवान किसी की मृत्यु करना चाहें तो करके ही रहते हैं, मृत्यु होगी होगी, मृत्यु किसी तरह रोकी नहीं जा सकती, चाहे कोई लड़े चाहे ना लड़े। और हम आज के युद्धों में भी देखते हैं जब युद्ध होता है दो देशों में तो कई सैनिक भी बच जाते हैं युद्ध में और बहुत से सिविलियंस नागरिक भी मारे जाते हैं अगर बम वगैरह गिर जाता है, जिसकी मृत्यु जहां होनी है वहां होगी। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो काल हूं, मैं तो सबको भक्षण करने वाला काल हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं जब प्रलय होती है, भागवतम के द्वादश स्कंद में प्रलय का वर्णन आता है, चार प्रकार की प्रलय बताई जाती है, तो जो प्रलय होती है तो भगवान सारे महत्त्व को, जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्ति पे प्रलय होती है, सारा महत्त्व विनिष्ट हो जाता है और सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है, यानी कि भगवान सबको निगल जाते हैं, कोई नहीं बचता। यहाँ लिखा है ना ब्राह्मण को भी और सबको भी भगवान जो है आया, इसमें एक लाइन परम सत्य हर वस्तु को यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं काल के रूप में आया हूँ, अर्जुन पूछ रहा है कि आपका प्रयोजन क्या है, भगवान कह रहे हैं मैं काल के रूप में आया हूँ और तुम कुछ पांडवों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, ये भगवान ने भविष्यवाणी कर दी युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन को। देखिए नहीं, अब श्लोक नंबर 33 भगवान क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। मंगल चंद गुप्ता प्रभु जी, मंगल चंद गुप्ता प्रभु जी पढ़े। रीना अग्रवाल माता जी पढ़े। मंगल चंद जी म्यूट तो नहीं हो रहे कहीं, पता नहीं। हरे कृष्णा। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व चित्वा शत्रून् भुज्ज्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् अतएव त्वं तुम उत्तिष्ठ उठो, यशः यश लभस्व प्राप्त करो, जित्वा जीतकर शत्रुन शत्रुओं को भुंच भोग करो, राज्यम राज्य का समृद्धम संपन्न मया मेरे द्वारा एव निश्चय ही एते ये सब निहताः मारे गए पूर्वम एव पहले ही निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र भव बनो सव्यसाचिन हे सव्यसाची। अतः उठो लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य, सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है
अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो शब्द है श्लोक में, निमित्त मात्रम भव सव्य साची, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं है। फल भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तुम सफल हो गए या नहीं हो गए, ये सब भगवान की इच्छा पे निर्भर है। कहते ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि इस युद्ध को तो मैंने डिसीजन दे दिया है, ये युद्ध तो पहले ही निपट चुका है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लोग जो भी हैं राजा कौरव पक्ष के, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुमको तो केवल कारण मात्र बनना है, तुम्हारे सिर तो केवल जीत का सेहरा चढ़ेगा, बाकी सारी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है। और ये होता है, भगवान जो भक्त लोग होते हैं वो किसी कार्य की सफलता का श्रेय भगवान को ही देते हैं। वो यही कहते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैंने ये कोई कार्य किया है तो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। भगवान को मेरे को श्रेय देना था, इसलिए भगवान ने मेरे जरिए ये श्रेय दिला दिया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। भक्तों की सोच ऐसी होती है। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, सारे लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, उनको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। और प्रभुपाद टीका में कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना ही होगा, तभी वह सुखी होगा। जब हम भगवान की इच्छा अनुसार चलेंगे, उनके आदेशों पर चलेंगे, जब ही सुखी हो सकते हैं। अपने आदेशों पर, अपने मन पर चलें तो हम सुखी नहीं हो सकते। यदि कोई कृष्ण भावना से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। यानी कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन भी भगवान कह रहे हैं, तुम निमित्त मात्र हो, तुमको केवल युद्ध दिखाना है, मार तो मैंने ही दिया पहले सारे। और अब अगले श्लोक में अर्जुन को थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं, बता रहे हैं भगवान कि किस तरह से ये लोग मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। श्लोक नंबर 34। हरे कृष्ण मंगल चंद गुप्ता प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रोणम च भीषम च जयद्रथम च कर्ण तथापि योद्ध वीरान है मया हस्तानस्त्वम जयहिमा विशिष्टा युद्धस्व जेतासी रणे सपत्तान। द्रोणम च तथा द्रोण भीषम च भीष्मजीवी जैत्रम च तथा जैत्रम जैत्रथ कर्णम कर्ण तथा और अन्यान अन्य अपि निश्चय ही योद्ध वीरान महान योद्धा मया मेरे द्वारा हतान पहले ही मारे गए। त्वम तुम जब जही मारो मा मत व्यधिष्ठा विचलित हो पुरुष युषुष्ट्व लड़ो जेता अस्सी देता अस्सी जीतोगे रणे युद्ध में सपत्नान शत्रुओं को।
द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शुरू में हम देख रहे थे जब महाभारत शुरू हुआ तो अर्जुन बड़ा झिझक रहा था, उसे बड़ी ग्लानी फील हो रही थी और झिझक रहा था, मोहित हो गया था वो कि मैं अपने गुरु पे कैसे बाण चलाऊंगा, अपने मामाओं पे कैसे बाण चलाऊंगा और मैं भीष्म पितामह पे कैसे बाण चलाऊंगा, मैं उनसे कैसे लड़ पाऊंगा। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुमको इस चीज की ग्लानी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने उनका तो वध मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र बनना है, तो तुम्हें इस चीज को पालन करने में जरा ही झिझक नहीं होनी चाहिए। और प्रभुपाद भी टीका में लिख रहे हैं कि भगवान की योजना है उन्हीं की कृपा से समझी जाती है, भगवान ने क्या योजना बना रखी है वो हमें नहीं पता। कई बार हमारे जीवन में कोई अच्छा बुरा कार्य हो जाता है तो हम विचलित होते हैं, इनफैक्ट भगवान की योजनाएं हमारे को पता नहीं होती। तो भगवान की जो इच्छा होती है उन्हीं के अनुसार या उनकी योजनाओं के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, तभी हम जीवन संघर्ष में विजय होंगे। ये प्रभुपाद टीका में लिख रहे हैं। अब भगवान की ये शिक्षा सुन के तुम युद्ध करो, निमित्त मात्र बनो, अर्जुन के मन में क्या विचार आते हैं, वो क्या बोलता है, ये संजय बता रहा है। श्लोक नंबर 35। हरे कृष्णा। आदि लक्ष्मी माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि विर्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सददं भीत भीत प्रणम्यं। संजय उवाच, संजय ने कहा, एततः इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर वचनम वाणी केशवस्य कृष्ण की कृतांजलि हाथ जोड़कर वेपमानः कांपते हुए किरीटी अर्जुन ने नमस्कृत्वा नमस्कार करके भूवह फिर भी एव भी आह बोला कृष्णम कृष्ण से स गददम अवरुद्ध स्वर से भीत भीत डरा डरा सा प्रणम्य प्रणाम करके। संजय ने धृष्टराज से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। हरे कृष्णा माता जी। आगे पढूं या और नेक्स्ट किसी और को? हाँ, एक पढ़ ले। अर्जुन उवाच स्थाने के तव प्रकृतिया जगत प्रहस्यत यनु रज्यते च रक्षांसी भीतानि देशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थाने यह ठीक है ऋषिकेश, हे ईश्वर इंद्रियों के स्वामी, तब आपके प्रतिकृत्याम कीर्ति से जगत सारा संसार प्रहस्यति हर्षित हो रहा है, अनुरच्यते अनुरुक्त हो रहा है च तथा रक्षांसी अनुसरण असुरगण भीतानि डर से देश सारे दिशाओं में द्रवंती भाग रही हैं, सर्वे सभी नमस्यंती नमस्कार करते हैं च भी सिद्ध सदया सिद्ध पुरुष। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित हो रहा है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उसने बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि वह कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य हैं तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है, उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं।
यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं सबों के हित में ही है। हरे कृष्णा। तो जब भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र बनो, ये डिसीजन सुना दिया, तो अर्जुन इसको सुनकर उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना में वो क्या कह रहा है अर्जुन, कि आपके नाम को जब संसार के लोग सुनते हैं, भक्त लोग सुनते हैं, तो बड़े हर्षित होते हैं। उनको भगवान का नाम गुण लीलाएं सुनने में बड़ा हर्षित होता है, हर्ष होता है। लेकिन जो असुरगण है वो इसे पसंद नहीं करते और वो इधर उधर भागते हैं या डरते हैं। तो यहाँ पर यही बात अर्जुन भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। ये चीज भागवतम में भी आती है कि भगवान जब जाते हैं उसमें मथुरा में जाते हैं और धनुष्यज्ञ के टाइम जब पहुंचते हैं कंस की सभा में, तो वहां भी यही आती है कि लोग भगवान को अपने अपने रूप के अनुसार देखते हैं। जो स्त्रियां होती हैं वो पुत्र के रूप में देखते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं जो भगवान को, कुछ पति के रूप में देखती हैं स्त्रियां, हाँ कुछ उनको वीर के रूप में देखते हैं, कोई उनको सौंदर्य के रूप में देखते हैं, कोई भगवान के रूप में देखते हैं, और असुर उनको उसी रूप में देख के भयभीत होते हैं। और ऐसा ही मानस में भी आता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तने तैसी। ये अर्जुन बात कह रहा है यहाँ कि आपको लेख के जो असुर हैं वो तो डरे हैं, भयभीत हैं और भाग रहे हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं, महर्षिगण हैं, वो आपकी आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे स्तुति और कंटिन्यू करता है अर्जुन श्लोक नंबर 37 में, और 38 में वो स्तुति भगवान की कर रहा है आगे के श्लोकों में। तो श्लोक नंबर 37। हरे कृष्णा, जय गोविंद प्रभु जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कस्मात् चैते नम्रेण महा आत्मना गरिमे ब्रह्मान् अपि आदिकरत् अनंत देव जगत निवास हे तवम अक्षरम तप सत असत तत्परम यत। शब्दार्थ, कस्मात् क्यों, चै भी ते आपको, न नहीं नम्रेण नमस्कार करें, महा आत्मना हे महापुरुष करिए से श्रेष्ठतर लोग ब्राह्मण ब्रह्मा की अपेक्षा अपि आदि करते परम सृष्टा को अनंत हे अनंत देव ईश हे ईशों के ईश जगत निवास हे जगत के आश्रय तवम आप हैं अक्षरम अविनाशी सत असत कार्य तथा कारण तत्परम दिव्य यत क्योंकि हे महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत हे देवेश हे जग निवास आप परम श्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करते हुए ये सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो, और देवेश का अर्थ है समस्त देवताओं के नियंता और उन सबके ऊपर है, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्व विस्तार गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकलकर कलम नाल से हुआ है। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं सारे देवता को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं।
वे समस्त कारणों के कारण है, अतएव वे इस भौतिक प्रगति के तथा दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ना आगे। हरे कृष्णा पढ़ लीजिए प्रभु जी, स्तुति है तो आगे पढ़ लीजिए। तवम आदिदेवम पुरुषम पुराणम तवम अस्य विश्वस्य परम निदानम असी वेदम च परम च धामम तव्या ततम विश्वम अनंत रूपम। तवम आप आदिदेव आदि परमेश्वर, पुरुष पुरुषम पुरुष पुराणम प्राचीन सनातन, तवम आप अस्य इश विश्वस्य विश्व का परम दिव्य निधानम आश्य वेता जानने वाला असी ओह वेदम जानने योग्य ये च तथा परम दिव्य च और धाम वास आश्य तव्या आपके द्वारा ततम व्याप्तम विश्वम विश्व अनंत रूपम ये अनंत रूप वाले आदि आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे आश्रय हैं, हे अनंत रूप यह संपूर्ण जगत आपके व्याप्त है। तात्पर्य प्रत्येक वस्तु भगवान द्वारा पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज, समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और ये यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे भी समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं, वे वेद है भी हैं, वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोकों के कारण सर्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोकों में भी प्रधान पुरुष हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहा है और भगवान के गुणों का वर्णन यहाँ कर रहा है कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि भी किसने की? भगवान ने। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा सबसे बड़े होते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और गौण सृष्टि भी ब्रह्मा ही करते हैं। तो ब्रह्मा सबसे बड़े होते हैं लेकिन भगवान ब्रह्मा के भी सृष्टा हैं। तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं तो हम आपको नमस्कार क्यों ना करें? आप अनंत हैं, आपका कोई आदि और अंत है ही नहीं। आप देवताओं के भी देव हैं और सारे जगत के निवास हैं, सब जगत आप में ही आश्रय पाता है और समस्त कारणों के कारण हैं और आप इस भौतिक जगत से परे हैं, आप भौतिक जगत की उत्पत्ति नहीं है। और इसके बाद कहते हैं कि आप सनातन पुरुष हैं और दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। ये दृश्य जगत आपसे ही निकलता है, यानी कि अगर आप ना हो तो इस दृश्य जगत का प्राकट्य भी ना हो। और आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ तक ज्ञान की बात है, भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं और हर एक जीव के बारे में जानते हैं। हम तो हमारे शरीर का ही पूरा ज्ञान नहीं रखते, भगवान हर एक जीव के बारे में जानते हैं। आप भौतिक गुणों के परम आश्रय हैं, सारे भौतिक गुण आपसे उद्भूत हैं, यानी कि अनंत रूप हैं और संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। आपके अतिरिक्त इस जगत में जो भी चीज दृश्यगत है, जो भी हम देखते हैं, उसके कारण आप ही हैं। ऐसी स्तुति अर्जुन कर रहा है और आगे के कुछ और श्लोकों में भी अर्जुन इस स्तुति को कंटिन्यू रखेगा। श्लोक नंबर 39। प्रमोद पाठक प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजापतिस्तम प्रपत्रमस्य नमो नमस्ते प्रपत नमो नमस्ते सरकृत्यम पुनश्च भूयम नमो नमस्ते वायु वायु यम मेन्ता अग्नि अग्नि वरुण जल सस्त चंद्रमा प्रजापति ब्रह्मा त्वम आ प्रपितामह प्रभाव च तथा नम मेरा नमस्कार नम पुन नमस्कार ते आपको अस्तु हो शस्त्र कृत्य हजार वार पुनश्च तथा फिर भूयम फिर अपि भी नमम नमस्कार नमम ते आपको मेरा नमस्कार है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामय हैं। आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तात्पर्य भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठा है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामय परबाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। नरम पुरदास्य पृष्ठ
नमोस्तु ते सर्वतः सर्व अनस्ते वीर्य मत्र के शक्तम सर्व समान समोषी ततो सर्वे शब्दार्थ नमे नमस्कार पुरस्तात सामने से अथ भी पृष्ठ पीछे से ते आपको नमस्तु में नमस्कार करता हूँ ते आपको सर्वत सभी दिशाओं से एवं ऊपर करना संदेश सर्व क्योंकि आप सब कुछ है अनंत वीर असीम पौरुष अमित विक्रम तथा असीम बल तुम आप सर्वम सब कुछ समानोस्पि आच्छादित करते हो तत एतत् असि हो सर्व सब कुछ आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है हे असीम शक्ति आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं आप सर्वव्यापी हैं अतः आप सब कुछ हैं। तात्पर्य कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है और वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं में से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विश्व पुराण 1.9.69 में एक आ गया है कि योगम तवासत्वात्तो देवम समीपम देवतांगण सर्वगतो भगवान समक्ष जो भी आता है चाहे वे देवता हो क्यों ना हो हे भगवान आपको आपके द्वारा ही उत्पन्न हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अर्जुन भगवान की स्तुति में और उपाय को दे रहा है कि भौतिक जगत में हम कुछ देवताओं को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। वायु देव बड़े शक्तिशाली हैं, अग्नि देव बड़े शक्तिशाली हैं, वरुण देव बड़े शक्तिशाली हैं, तो हम समझते हैं कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। तो अर्जुन उनसे भगवान की उपमा दे रहा है, जबकि देखा जाए तो ये सब भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, भगवान के सेवक है। लेकिन उपमा देने के लिए आदमी सबसे बड़ी चीज जो नजर में आती है उसको बोलता है। तो वो कह रहे हैं कि आप इन सबके नियम परम नियंता हैं और आपको मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। इतना पुलकित है, इतना आश्चर्य से अभिभूत है अर्जुन कि भगवान को बार बार नमस्कार कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपको चारों ओर से हर तरफ से नमस्कार करता हूँ क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान का हमारी तरह कोई एक तरफ दृष्टि नहीं होती कि हमारी तो आंखें सामने हम सामने देख पाएंगे, हाँ ऐसा नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी है, हर दिशाओं में भगवान व्याप्त है। तो भगवान अर्जुन जो है भगवान को हर तरफ से नमस्कार कर रहा है, यानी बार 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 जब हम किसी को ज्यादा आदर देना चाहते हैं तो बार बार नमस्कार करते हैं। तो अर्जुन इस तरह से भगवान को बारंबार हर तरफ से नमस्कार कर रहा है। माता जी एक श्लोक और लेंगे या रोकें यहाँ पे, क्या करें आप समय देखिए। आप आदेश करें प्रभु जी, लेना है तो एक श्लोक और ले लो या किसी के भक्तों के प्रश्न है तो प्रश्न ले लें। किसी का कोई प्रश्न है क्या माता जी? प्रभु जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी माता जी मेरा क्वेश्चन है। पूछिए माता जी, पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक तो इसी श्लोक में जो है, मेरे दो क्वेश्चन है प्रभु जी। एक तो इसमें बोला है कि अर्जुन जो है पितामह ब्रह्मा जी, प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है भीष्म पितामह, तो ये कैसे प्रभु जी? ब्रह्मा जी तो भगवान की नाभि से प्रकट हुए थे, तो अभी तो सर सुना ही नहीं कि ये ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। जब भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तो भगवान तो ऑटोमेटिक उनके पिता हुए ना। नहीं यहाँ पे तो प्रपिता मतलब भीष्म पितामह के लिए कहा गया क्या? नहीं नहीं, अर्जुन अपने लिए कह रहा है। ओके, आप आदि जी ब्रह्मा है और आप प्रपितामह हैं, जो भी दादाजियों में सबसे बड़े हैं वो आप ही हैं, मतलब ओके प्रभु दादाजी नहीं हमारा। हाँ क्लियर हो गया प्रभु जी, ये शायद मुझे समझ में नहीं आया था। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, वो है दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का पांचवा श्लोक है, दूसरे अध्याय का पांचवा श्लोक। हाँ प्रभु जी थोड़ा पीछे का है, ये पूछ सकती हूँ? हाँ कोई बात, हाँ बोले प्रभु जी। इसमें दूसरे अध्याय के पांचवें श्लोक में बोला है कि दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। प्रभु जी द्रोण का तो समझ में आता है कि भाई द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और राजाओं के अधीन रहते हैं, लेकिन भीष्म पिता कैसे दुर्योधन की आर्थिक सहायता के कारण बाध्य थे? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, आपके ध्यान हो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी जो हस्तिनापुर है उसके प्रति वो लॉयल रहेंगे। हस्तिनापुर ये प्रतिज्ञा की थी उन्होंने उसको, माता को, गंगा माता, गंगा जी को, गंगा जी के तो पुत्र थे वो जो सत्यवती सत्यवती, उन्होंने कहा कि भाई
शादी हो जाएगी तुम्हारे बच्चे होंगे तो फिर तुम राज्य के लिए बोलोगे, तो बोला नहीं मैं शादी नहीं करूंगा और मैं हमेशा हस्तिनापुर के लिए लॉयल रहूंगा। हस्तिनापुर के लिए लॉयल रहने का मतलब है कि हस्तिनापुर का जो राजा जो कहेगा मैं उसकी बात को नकारूंगा, उसको सलाह दे सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ, लेकिन जो वो कहेगा मैं वो मानूंगा। लॉयल्टी उसे ही कहते हैं। जिस तरीके से वो हस्तिनापुर के प्रति लॉयल थे, वो अपना विरोध प्रकट करते थे, वो समझाते भी थे, लेकिन जो उनका डिसीजन होता था वो उनको फॉलो करना पड़ता था। जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में भी वो पांडवों की तरफ से नहीं लड़े, कौरवों की तरफ ही लड़े, जबकि वो नहीं चाहते थे, फिर वो उनकी तरफ से लड़े क्योंकि वो उनके उससे बंधे हुए थे। तो यहाँ पारिश्रमिक का या आर्थिक सहायता का मतलब यही, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि कोई तनख्वाह लेते थे, ऐसा नहीं है ना जी। प्रभु थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल। जी प्रभु। प्रभु जी एक सवाल मेरा है छोटा सा। प्रभु जी ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल बताते हैं जो बहुत लंबी है हमारे हिसाब से, और 100 साल में जब वो मरते हैं तो सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, भगवान के मुख में चली जाती है जी। और ये भी कहते हैं कि जब वो सांस लेते हैं तो उत्पत्ति होती है ब्रह्मांडों की, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड सारे के सारे उनके अंदर समा जाते हैं। तो क्या उनकी सांस लेने की जो काल है, जो टाइम पीरियड है, वो ब्रह्मा जी के 100 साल के बराबर है? यस यश एक काल निश्वस्ति जीवन के लोग मिल जा दंड दंड ना था। आप आगे प्रश्न और कर रहे हैं कुछ? आपका एक तो प्रश्न है कि क्या उनकी सांस लेने की अवधि है वो ब्रह्मा जी के 100 साल के बराबर है? हाँ, मेरा सवाल यही है प्रभु जी। यही है जी। हाँ। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है भगवान की महिमा को बताते हुए, यश एक काल निश्वस्ति जीवंती लोम बिल जा जग दंड नाथा, विष्णु महान से एव तथा विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो कारणोदक्षायी विष्णु है, जो भगवान का एक प्राकट्य है, कारणोदक्षायी विष्णु भगवान का एक प्राकट्य है, उनका एक रूप है, वो जब एक सांस लेते हैं तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा उसके एक सांस की अवधि तक जीवित रहते हैं। तो भगवान कितने होंगे, भगवान कितने महान होंगे? हाँ, वो तो भगवान का एक एक्सपेंशन है कारणोदक्षायी विष्णु, उसकी सांस का आधार है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है और भगवान का सांस इतना ही लंबा है, और हर जीव की आयु शास्त्रों के अनुसार हर जीव की आयु 100 साल है, पर 100 साल की अवधि अलग अलग। मनुष्य 100 साल जीता है, ब्रह्मा भी 100 साल जीते हैं, पर हमारे और उनके काल में अंतर है। एक मच्छर आज जन्म लेता है, 24 घंटे के अंदर मर जाता है, काल की गणना से उसकी भी आयु 100 साल है, नहीं जी। गाय बैल वगैरह भैंस ये 20 साल इनकी आयु बताई गई है, हमारी दृष्टि से वो 20 साल है, उनके अनुसार उनकी आयु भी 100 साल है। तो भगवान जी की जो अकल्पनीय आयु है 100 साल की, भगवान का एक श्वास है, वो श्वास अंदर गया और श्वास बाहर आया, ये भागवतम में इसका पूरा डिटेल से वर्णन है, ठीक है ना? तो आपने जो समझा है वो सही है। हाँ, मतलब मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि भगवान की सांस लेने का जो गति क्रिया है, कर्म है, वो इतना लंबा है, ये तो अविश्वसनीय लगता है प्रभु जी। अरे लगता है ना हमको, अगर एक चींटी को कहे कि हाथी जैसा जीव होता है तो मान लेगी क्या? मानेगी नहीं, कभी नहीं मानेगी। किसी बैक्टीरिया को समझाएं कि आदमी इतना बड़ा होता है, मानेगा? बैक्टीरिया नहीं मानेगा, आदमी का शरीर में अरबों खरबों घुसे पड़े हैं, नहीं मानेगा, सीमित शक्ति नहीं मान सकते, ऐसा है हमारा। भगवान की चीजें जब तो हमारे चिंतन के बाहर है, भगवान अचिंत्य शक्ति है, उन्हें हमारे चिंतन के बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते क्या है। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी और वो भी कारणोदक्षायी विष्णु का एक श्वास है, जो कृष्ण का एक प्राकट्य रूप है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण का प्राकट्य रूप है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको राजा उसने बनवाया था, इंद्रदुम्न ने, इंद्रदुम्न भगवान को ब्रह्मा जी को बुलाने गया जय पुरोहित कि ब्रह्मा जी आप आइए, मंदिर का उद्घाटन आप ही कीजिए, ठीक है ना जी। तो वहां वो गए, बहुत सतयुग की बातें हैं, वो वहां गए ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के बार बार लिखा आप एक क्षण बैठिए, ब्रह्मा जी अभी बीजी एक क्षण बैठिए, एक क्षण बाद ब्रह्मा जी से मिला और यहाँ आ गया, एक क्षण में वहां सतयुग से यहाँ कलयुग आ गया।
एक क्षण जब ब्रह्मा जी ने उसको वहां रोका और यहाँ आए तो राजा कुछ पहचाना ही नहीं था, राजा को कोई पहचाना। फिर ब्रह्मा जी आए बीच बचाओ के लिए, दूसरा राजा बोला तुम कहाँ से आ गए, मैं तो जानता ही नहीं। यहाँ सैकड़ों पीढ़ियां बदल गई उस युग में, उस जमाने में, तो काल की गति में अंतर है, उसकी वजह से ये सब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी प्रभु जी, किसी और का प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। ठीक है माता जी, समापन करें, कोई प्रश्न नहीं है तो। ठीक है प्रभु जी, सब लोग त्रिविक्रम प्रदास प्रभु का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोल हरे बोल हरे कृष्ण। थैंक यू त्रिविक्रम प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।
Thank you.
हरे कृष्ण।